हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम रवि कुमार। माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर टिप्स। आज दोस्तों हम आपको सीबीआर टेस्ट करने के बारे में बताएंगे, हम साइट पर सीबीआर टेस्ट कैसे करते हैं। वैसे तो सीबीआर टेस्ट होता है हमेशा ही लेबोरेटरी के अंदर, हम सैंपल उठा के सोर्स ऑफ फील्ड से सैंपल उठा के हम लेबोरेटरी भेज देते हैं। मान लो किन्हीं कारणों से वहाँ से सैंपल आने में देरी होती है, 15 या 20 दिन लग जाते हैं वहाँ से सैंपल आने में, महीना लग जाता है और हमें काम स्टार्ट करना होता है, तब हम एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं साइट के ऊपर, सीबीआर टेस्ट। आज मैं इस टेस्ट को करने का तरीका बताऊँ आपको। आपने क्या लेना है, 1 किलो सोयल लेनी, 1 किलोग्राम सोयल लेनी, ड्राई सोयल लेनी है आपने। उस ड्राई सोयल को आपने क्या करना है, उसको हमने सीव एनालिसिस करना 425 माइक्रोन और 75 माइक्रोन से। ये दो सीव से हमें सीव एनालिसिस करना है। यहाँ आ जाएगा अपना रिटेंड वेट। मान लो इसमें 215 ग्राम आ जाता है, इसकी परसेंटेज रिटेंड वेट आएगा, परसेंटेज रिटेंड वेट इसकी आ जाएगा 21.5%। 21.5 वेट ऑफ सैंपल आएगा हमारा, वेट ऑफ सैंपल 1000 ग्राम। परसेंटेज रिटेंड कम्युलेटिव वेट परसेंटेज कम्युलेटिव वेट आएगा 21.5%। फिर आ जाएगा दोस्तों परसेंटेज पासिंग आएगा इसका 78.5%। फिर हम 75 माइक्रोन से सी एनालिसिस करेंगे, ये आएगा 66 ग्राम। मान लो ये आ जाता है हमारा 60 ग्राम, इसकी परसेंटेज रिटेंड आएगा 66%। कम्युलेटिव आएगा 87.5%। परसेंटेज पासिंग आ जाएगी 12.5%। सबसे पहले तो हमें ये काम करना है, जिस भी सोयल का हमें सीबीआर टेस्ट करना है, फिर हमारे पास हम इसका ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करना हमने इसका, हम इसका ड्रॉ करेंगे फिगर। ये परफॉर्मा है जिसके ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये परफॉर्मा है जिससे हमें फाइंड होगा कि हमारी सीबीआर क्या आते हैं। अब हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे दोस्तों। मान लो यहाँ पर क्या 425 माइक्रोन से, यहाँ पर क्लियर हुआ 75 माइक्रोन से पासिंग, परसेंटेज पासिंग ऑफ 75 माइक्रोन 12.5। हमें यहाँ पर 12.5 मिलना, 12.5 हमारा यहाँ पर आ गया, 12.5 जो हमारा आएगा ये आएगा और हमारा एक्स पॉइंट ये है। अब हम दोनों को आपसे मिलाएंगे। ये तरीका है आपका सीबीआर टेस्ट करने का इन फील्ड। फील्ड में आप सीबीआर को टेस्ट कैसे करोगे, कैसे फाइंड करोगे कि सीबीआर देना, इसको हम आगे ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को बिल्कुल एक्सेस के साथ यहाँ पर मिलाएंगे, इसमें जहाँ मिलेगी और फिर इसको बी के साथ आपस में मिला देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहता है, परसेंटेज वैसे की 425 माइक्रोन एंड डिटेंड ऑन 75 माइक्रोन, कि हमारी परसेंटेज पासिंग 425 माइक्रोन 78.5 है और डिटेंड 75 की 66%। तो हमें इस फिगर के अंदर 66% लेना है, 66% हमारा यहाँ पर है। फिर हमें इसको एक्स एक्सिस से पास करना है, एक्स एक्सिस से पास करते हुए जहाँ भी मिलती है इसको हमें उस लाइन पर मिला लेना। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये पॉइंट आ जाता है ओ, और टी सी के पैरेलल हमने इस लाइन को लेना है, जितने यहाँ पर डिस्टेंस है उतना ही हमने यहाँ पर डॉट लगा के इसको ऑप्शन बनाना है। हमारे लिए डॉट लगा देता मान लो यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करना होगा दोस्तों, हमारा 425 माइक्रोन, हमारा 425 माइक्रोन पर रिटेंड कितना, 21.5%। इस लाइन पे हमें इससे ऊपर 21.5 लेना है, 21.5, ये 10 और 10 20, और ये लगभग आ जाएगा 1, ये आ जाएगा अपना 21.5 लगभग हमारा यहाँ पर आएगा।
यहाँ पर हमने जो ऑलरेडी लाइन दी है इसके पैरेलल एक लाइन लगानी है, इसके पैरेलल लाइन लगानी है अपने इसी पॉइंट से, ये हमारा जो है। अब हमने इसके ऊपर अपनी सी वी आर पढ़नी है, ये लगभग हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8.1 के आसपास आ जाता है, यह आ जाता है अपना 8.1 के आसपास। तो हमारी जो सी बी आर आती है वो 8.1% ये सी बी आर आ जाती है। दोस्तों इस तरीके से हम फील्ड में अपनी सी बी आर टेस्ट कर सकते हैं। ये फील्ड में टेस्ट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।